जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा सपने। सपने देखना किसी अच्छा नहीं लगता। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वप्न ज्योतिष के बारे में। मित्रों, ज्योतिष के मुताबिक हमारी नींद में दिखाई देने वाले सपने हमें निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं ऐसे कुछ सपनों के बारे में जो हमारे लिए भविष्य में या तो हमें अथाह धन की प्राप्ति होगी या हम राजा से बनेंगे भिखारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ अंत तक, जानेंगे सपनों के बारे में। मित्रों, सपने में किसी शिशु को चलते हुए देखना अथवा फल की गुठनी देखने से जल्दी ही धन मिलने के संयोग बनते हैं। मित्रों, सपने में खाई देखना, सुबह के समय खाई देखने से भी जल्दी ही धन की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि आसमान में बिजली चमकते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि हमें व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। मित्रों, विदाई समारोह देखना, यदि इसी तरह किसी कन्या की विदाई समारोह दिखाई दे अथवा मांस दिखाई दे या खुद को दस्ताने पहने हुए दिखाई देखें तो जल्दी ही करोड़पति बनने का योग होता है। इसी तरह से खेत में गेहूं की फसल पकते हुए दिखाई दे तो भी हमें जल्दी ही सौभाग्य दिलाता है। मित्रों, हरा भरा जंगल देखना, अगर सपने में किसी को धन उधार दें या दिया सिलाई जलाते हुए दिखाई दे तो या गाय को गोबर करते हुए देखें तो जल्दी ही धन की प्राप्ति होती है। इसी तरह हरा भरा जंगल देखने या फूलों से भरी क्यारी भी शुभ मानी जाती है। मित्रों, बंद दरवाजा देखना, अगर आपको सपने में किसी दरवाजे को बंद होता देखें या आपको कमरे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करते दिखाई दे तो समझ जाए कि जल्दी ही आपको धन जाने वाला है, कहीं नुकसान होने वाला है। इस सपने का ये अर्थ होता है। मित्रों, छोटा जूता देखना, अगर सपने में खच्चर दिखाई दे तो तुरंत ही सावधान हो जाइए। ऐसा सपना दिखाई देना धन हानि होने का योग बनाता है, जबकि छोटा जूता पहनना या ऐसा सपना देखने से आपके पैर में जूता नहीं आ रहा हो तो किसी स्त्री से झगड़ा होने के बाद आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनाता है। मित्रों, खाली बैलगाड़ी देखना, अगर आप खाली बैलगाड़ी या कोई वाहन जाते हुए देखें तो समझ जाइए कि जल्द ही व्यापार में कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। परंतु यदि सपने में लाठी दिखाई दे तो धन के साथ साथ यश भी फैलता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण देखना, अगर आपको सपने में चंद्रमा टूटते हुए दिखाई दे या चंद्र ग्रहण दिखे तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ी आकस्मिक समस्या आने वाली है या कोई बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट या किसी निकट विश्वस्त द्वारा धोखा देना हो सकता है, जिसके चलते आपके धन का नुकसान होगा। मित्रों, खुद को हथकड़ी पहने देखना, अगर सपने में पतला दुबला बेल दिखे या खुद को हथकड़ी पहने हुए दिखाई दे अथवा खुद को किसी के आगे भीख मांगते हुए देखें तो तुरंत सावधान हो जाइए। ऐसा सपना देखने पर आपको उस व्यक्ति का भविष्य में बड़ा भारी संकट आने वाला है संभावना रहती है। यह आर्थिक, शारीरिक, मानसिक भी हो सकती है और विशेष प्रकार से आपको धन की हानि दिलाता है। मित्रों, सावधानियां, स्वप्न ज्योतिष के शकुन अथवा अपशकुन पर विचार करते समय कुछ अन्य बातें भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि सपना कब देखा जा रहा है। यदि सपना सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में आता है तो ऐसा सपना एक सप्ताह के अंदर ही सच हो जाता है। परंतु इससे पहले के सपना आने पर, सपने में सच होने पर 1 महीना हो जाता है। आधी रात से पहले के सपने में कम से कम ही सच होते हैं। अधिकतर मन की दबी हुई इच्छाएं या तर्क होते हैं जो गहरी नींद में आने पर हमें दिखाई दे जाते हैं। तो मित्र, ऐसा विचार भी आपको करना चाहिए कि सपन कब आया है आपको। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।